अमिताभ ओझा को लाइए, अमिताभ ओझा के पास चलते हैं। अमिताभ, कहां पर हैं आप, जरा बताइए कैसी हो रही है वोटिंग और कुछ लोगों से बात करिए। अमिताभ, जी बिल्कुल, माना कि इस वक्त हम देखिए पूर्णिया के ग्रामीण इलाका जो है के नगर है, ग्रामीण इलाका में यहाँ पे है, शहरी इलाकों में तो वोटर भी, लेकिन सबसे खास बात बिहार में प्रथम चरण में वोटिंग कम हुई थी, लेकिन पूर्णिया में आने के बाद लगता है कि सुबह से मैं जेम्स बूथ में जा रहा हूँ, यहाँ मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ है। सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे अच्छी खासी पोलिंग हो रही थी, शहरी इलाकों में तो हो ही रहती, ये ग्रामीण इलाका है जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ, के नगर का ये बूथ है यहाँ पे। और सीधे देखिए मतदाताओं से बात करते हैं कि इस बार जो भीड़, लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं, वोट देने के लिए निकल रहे हैं घर से, जी हाँ, एक बार मुद्दा क्या है पूर्णिया में? मुद्दा मतलब नहीं समझो, बात सोच के आ रहे होंगे, क्या मुद्दा है, विकास का नाम पे देंगे, किसके नाम पे देंगे, कुछ जिधर मत होगा उधर देंगे हम लोग, ऐसा थोड़े किसी को दर्शाएंगे। क्या मुद्दा है इस बार भाई, गांव विकास का मुद्दा है, क्या मुद्दा इस बार है पूर्णिया में, क्या सोच के वोट देने जा रहे हैं? वोट तो देने आए जो रोजगार के नाम पे, विकास के नाम पे, किसके नाम पे? अमिताभ जल्दी जल्दी लोगों से बात करिए, जरा जल्दी जल्दी। इलाकों में ज्यादातर लोग खुलकर वोट देने आए हैं क्या? जी सर। कुछ 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 क्या मुद्दा, कुछ मुद्दा है दिमाग में, किस मुद्दे को लेकर वोट देने आए हैं? मुद्दा क्या रहेगा सर? चलिए देखिए, तो ग्रामीण जो कुछ महिलाएं हैं उनसे हम सीधे तौर पर बात करते हैं, वोट देने आई है, क्या मुद्दा है, क्या सोच के आई है वोट देने? राशन पानी मिल रहा है? नहीं, नहीं। क्या क्या सोच के वोट देने, क्या मुद्दा रहेगा? अच्छा अमिताभ, अमिताभ आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो कुछ कहना नहीं चाह रहे, मेरे ख्याल से आज वोटिंग के दिन ये तस्वीर भी कुछ कहती है, इसके भी बहुत सारे मायने हैं, वोटर इसका मतलब साइलेंट है। लौटूंगा आपके पास।